अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 25 के पार्ट 2 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। आज की क्लास बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इतना छोटा क्लास ही रिकॉर्ड कर पाई, बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ नाउ डेज, क्योंकि वेडिंग सीजन है एज यू गाइस नो। तो कुछ मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ फॉरगिव मी। तो आज का क्लास है लाइनर के लिए। तो जब हम लाइनर अप्लाई करते हैं, और अगर आपको लाइनर अप्लाई नहीं करना आता तो आपके पास एक टैप सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। टैप सॉल्यूशन के साथ आप बहुत ही अच्छा और नाइस लाइनर क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल के साथ लाइनर के लिए पढ़ेंगे, सीखेंगे। आज बिल्कुल छोटा सा क्लास है, आपको एक आइडिया दे दूंगी कि आप किस तरह से लाइनर लगा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, विंग्ड या सिंपल लाइनर। लाइनर के बहुत ज़्यादा किस्म होते हैं, जेल लाइनर, लिक्विड लाइनर, केक लाइनर, पेन लाइनर। तो यहाँ पे मैंने एक्वा लाइनर लिया है क्रिस्टाइन का। तो हमेशा जब भी आप लाइनर अप्लाई करेंगे तो आंख खोल के अप्लाई करेंगे, आंख बंद करके अप्लाई कभी नहीं करेंगे। अगर आप अपना लाइनर अप्लाई कर रहे हैं तो किसी क्लाइंट का कर रहे हैं फिर तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहूँगी कि सेम ही आपकी आइज ओपन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रिस्टाइन का, जैसे मैंने बताया कि लाइनर यूज़ कर रही हूँ विथ ब्रश, ठीक है। मैंने लाइनर लगाया है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल लाइनर है, यानी अगर आपको कोई भी लाइनर लगाना नहीं आता तो आप ये लगा सकते हो, इतना सा लाइनर, ठीक है। इसको हम सिंपल लाइनर कहते हैं कि आपने अपने इनर वी से स्टार्ट किया और आउटर वी तक आपने लगा के छोड़ दिया, ठीक है। ये रहा हमारा जी सिंपल लाइनर, इसको सिंपल लाइनर कहते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा नहीं पसंद लाइनर वगैरह लगाना तो इस तरह से लाइनर को लगा सकते हैं। विंग्ड लाइनर क्रिएट करने के लिए हमेशा आपने आउटर कॉर्नर के बिल्कुल नीचे से या ऊपर की तरफ से एक लाइन खींचनी होती है। यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ खींची है, लेकिन जो डिफरेंट लाइनर्स की टेक्निक्स होंगी वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ। तो बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इस तरह से ही कर पाई हूँ। तो जो मैंने लाइन खींची थी उसको मैंने वापस अपने लाइनर के साथ मिला दिया, आपने देख लिया होगा, ठीक है। नीचे से मैं हमने एक ऊपर की तरफ लाइन निकाली आउटर कॉर्नर के, देन उसी लाइन को वापस लाइनर के साथ मर्ज कर दिया। और अब आउटर कॉर्नर में भी मैं थोड़ा सा जो है वो लाइनर फैला के लगा रही हूँ। ये लाइनर आप इसको कैट लाइनर भी कह सकते हो, विंग लाइनर भी कह सकते हो, ठीक है। ये मैंने मोटा वाला लाइनर लगाना सिखाया है, लेकिन आगे आपको पतला लाइनर जो जिसको कहते हैं वो भी लगाना इंशाल्लाह सिखाऊंगी। एंड अगेन आपने जो है सिंपली, अब मैंने आंखें बंद कर दी हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि क्लाइंट की अब जब भी करेंगे आईज पे लाइनर लगाएंगे तो आप आंखें आप सेम ही बंद करेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी आंखें थोड़ी बहुत खुली होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं मोटी लाइन निकाल रही हूँ, ठीक है, किधर, अपने लैश लाइन के ऊपर। आप पतला लाइन भी निकाल सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। एंड देन सिमिलरली मैंने आउटर कॉर्नर के वी से एक लाइन निकाली है, ठीक है। केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी लाइन जो है अपने लाइनर वाले जगह से निकाल रही हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि स्केच जो है वो रेडी हो चुका है, हमें जस्ट इसके अंदर लाइनर का कलर फिल करना है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि थिक विंग्ड लाइनर, ठीक है। थिक विंग्ड लाइनर, जिनकी आँखें गोल हैं, बड़ी हैं, वो इस तरह का लाइनर लगा सकते हैं। और दूसरा एक तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने आउटर कॉर्नर से एक लाइन नीचे की तरफ निकालनी है, ठीक है। नीचे की तरफ निकालते हुए आप उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। मैंने साथ ही जो है आउटर कॉर्नर के एक लाइन निकाली जो कि नीचे तरफ ले गई, अब उसी लाइन को मैंने ऊपर की तरफ निकाला है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। एंड देन अब इसी लाइनर को हम खींचेंगे, ठीक है, ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से इस लाइनर को खींच के वापस अपने लैश लाइन की तरफ ले आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे ये मिस्टेक हो गया था कि बिल्कुल वेट था और मैंने आंखें खोल दी थी, तो आपने बिल्कुल भी आंखें खोलनी नहीं होती। इसको हम मेकअप के साथ सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ इस मिस्टेक को आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी में ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आप देख सकते हो कि मैं इसको फिल भी कर रही हूँ और साथ साथ जो है एक बहुत ही अच्छा सा थिक विंग लाइनर रेडी हो गया। आज जो है मैंने सारे थिक विंग लाइनर दिखाए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम सारी टेक्निक्स भी सीखेंगे इंशाल्लाह। और जो सर्टिफिकेट्स का पूछते हैं तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेंगे, कोई बात हो तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। एंड आई होप आपको आज का शॉर्ट क्लास जो है वो अच्छा लगा होगा, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लाइनर कौन सा अच्छा लगा। अब आपका ये टास्क है कि आप विंग्ड लाइनर क्रिएट करो और मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड करो। तो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।